कितना खूबसूरत पार्क है ये, चारों ओर फूल ही फूल, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है यहाँ पर। और वही चारों ओर यहाँ पर फोटो शूट चलता हुआ, ये देखिए एक लैम्बो स्पॉट की है ऋतिक भाई ने। वाओ, पीटर्सबर्ग के रोडों पे आपको ऐसे खूबसूरतियां दिखते रहेंगे। ह्यूमन मॉडल्स, कबूतर छाप, कबूतर छाप एक नथिंग टू फियर बिकॉज कबूतर छाप एंड कौवा छाप इज हियर। देखिए यहाँ पे एक आदमी फंस चुका है बाथरूम में, उसे निकाला जा रहा है तोड़ ताड़ के। चुका है, जगह लगा रहे। वाह, अच्छा यार, 50 रुपये भाई, 50 रुपये। हाँ टॉयलेट ही है, 50 रुपये भाई, 50 रुपये। देखिए वो अंदर से कैसा दिख, 50 रुपये भाई, 50 रुपये। हेलो, तो आज ये है हमारा स्प्लिट होने वाला ब्रिज, इस ब्रिज का नाम है दुअर सोए ब्रिज। यहाँ पर कल यूथ डे होगा, पूरा फेस्टिवल होगा, ये पूरा बीच से खुलेगा, यहाँ के बीच से बोटें जाएंगी। ये देखो ये जो यहाँ पे रेड रेड फ्लैग्स लगा रखे हैं, ये थीम है कल एक्चुअली बोट का, तो कल यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। रास्ते में टॉयलेट्स वगैरह लगा रहे हैं ये लोग, पोर्टेबल टॉयलेट्स लगा रहे हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल है, मतलब ये साल में एक बार होता है। लकली हम जब आए हैं तभी तब हमारा इवेंट आ चुका है ये, तो दोस्त का ब्रिज है। और ये रहा आपका हर्मिटेज, ये हर्मिटेज म्यूजियम है, सब कुछ पास पास में है यहाँ पर, जहाँ कल हम गए हुए थे। और वो दिख रहा है आपको, वो है पॉल फोर्ट्रेस, ये पॉल फोर्ट्रेस है, वहाँ भी जाएंगे हम, वहाँ अभी थोड़ी देर बाद में जाएंगे, उससे पहले हम जाएंगे यहाँ कुंश का मेरा में। कुंश का मेरा, ओके, क्या है ये एक्चुअली, म्यूजियम है क्या? एक म्यूजियम है। अच्छा, बस देखते हैं अभी। ये देखिए कनाल, ये देखो यहाँ हॉट डॉग का दाम कितना महंगा है, 300 रूबल का एक हॉट डॉग है। इंडिया टाइप टाइगर, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वो ठंडी हवाएं बह रही हैं इस वक्त। ये ब्रिज है जो कल स्प्लिट होगा, यहाँ भी कल इवेंट होने वाला है बहुत। और ये कौन सा वो है, कुछ का मेरा करके कुछ है ये, कुछ साहिल ने बताया था अभी, देखते हैं वहाँ भी जाएंगे, वहाँ जाकर 5-7 बजे यहाँ से खुलता है ये ब्रिज। ये हम बहुत बड़ा पोर्ट है साहिल यार, ये तो बड़ा छोटा लग रहा है यहाँ से देखने में यार, ये दूर है यार। देखिए रोडों की सफाई होती हुई, अच्छा यही झाग झाग किया करता था, यही डिटर्जेंट डालते हैं, 52 सेकंड है हमारे पास, आराम से पार करेंगे, ठीक से धोया नहीं है यहाँ पे, आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट इनका ढूंढ के कर दीजिए, www.roadsafeniwa.com पे। ये देखिए बस, ये घुसता मेरा में जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इतने धूप में, क्या हुआ? अच्छा एक्चुअली जिनके पास ऑनलाइन टिकट ऑलरेडी है उनके लाइन में खड़े हैं, देखते हैं साहिल पता कर रहा है क्या है उधर, तो वो लाइन है जिनके पास टिकट नहीं है जहाँ पहले थे, वो बहुत बड़ी लाइन है, देखते हैं क्या होता है। हमारा किस्मत अच्छा है, हमने ऑनलाइन टिकट ले लिया इस वक्त छोटे लाइन में खड़ा होके, 400 रुपये का टिकट था बट स्टूडेंट कार्ड पे 100 रुपये का था। तो ये है कुंस्ता मेरा का म्यूजियम, अरे यार मस्त है रे, क्योंकि सोवियत यूनियन में पहले अलास्का था, वो तो हम गिफ्ट कर दिया था यूएस को, अभी अमेरिका में अलास्का, हाँ की आर्मरी है, ठंड से बचने के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे क्योंकि जहाँ -50-60 हो गए। आप अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे, मेरे साथ रहिए, हम दर्शकों को बताते चलिए। ये हंटिंग के लिए, हंटिंग ऑन लैंड,
अरे ये सब जो हम एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा करते थे ना, याद है? ये समझ के आप ये मत सोचिएगा कि बैडमिंटन खेलने के लिए, नहीं 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 यहीं तो आप मार खा जाते हैं। ये देखिए फर का पूरा, ये फर अलास्का का, ये भी है अलास्का की शीप से ये मोटे मोटे फर बनते हैं, असली हीट ये देते हैं। जो बच्चे अभी एनसीईआरटी के बायो पढ़ रहे हैं, ये टर्म आता है हंटिंग ऑन द लैंड, कब कब फार्मिंग चालू हुई थी, कब हंटिंग स्टार्ट हुई थी, अर्ली 19th सेंचुरी का ये है, ठीक है। अलास्का के सब पुराने लोग हैं, ये देखिए इस तरह से हुआ करता था, काफ़ी भारत से मिलता जुलता है क्योंकि तेल सामान का पहले यूज होता था भारत में, यूज हो रहा है। इधर देखो, ठीक है, रेनकोट है क्या? ऑब्वियसली ये सीलिंग है, इससे बाण है, ये फिश पकड़ने के लिए समुद्र में काम आते थे। अच्छा, वहाँ लिखा भी हुआ है। ये देखो पूरी सभ्यता है पुरानी, अर्ली 19th देख रहा है ये नीचे में, जिससे कि ये स्केटिंग करने के लिए, स्केटिंग या फिर फिसल, देसी जुगाड़ एक तरीके से आप कह सकते हैं, पुराना जुगाड़ है। उस जमाने में प्लास्टिक नहीं हुआ करता था। क्लोथ्स ऑन एंड फुट गियर। ये देखिए पूरा ही बाण, ये दूर से हिरण को मार दिया। वाओ, स्ट्राइप्स मेड ऑफ सी एनिमल इंटेस्टाइन मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अच्छा, ये जो पतवा सा दिख रहा है ना, इंटेस्टाइन से बना हुआ है। ये गोरखा जवान लग रहे हैं हमारे। समझ रहे हैं, ये सारा इंटेस्टाइन से बना हुआ क्लोथ्स है सारा। वाओ, देखिए अलग अलग तरह की टोपियाँ, हंटिंग आउटफिट एंड हेड गियर। यहाँ पे फूड स्टोरेज रखते हैं। अरे वाह, ये स्टमक होगा पक्का। ये क्या है? स्क्रेप्स फॉर क्लीनिंग फैट ऑफ स्किन। इसमें कैसे अपने बच्चे को रखते थे। हंटिंग टूल्स है ये सब, इसे शिकारी शिकार किया करते थे। वुमेन क्लोथ्स, एस्किमो साइल को कुछ यहाँ पे अमेजिंग कुछ क्रो फेदर से बना हुआ चीज़ मिला है। अच्छा, क्रो फेदर से पूरे, अरे वाह, मुझे फोटो ला रहे हैं। गर्मियों में कितने काम आते हैं। अरे क्या मस्त बनाया, अभी क्रो का नहीं लग रहा, ये तो वल्चर का लग रहा है। वल्चर क्रो सबका है उसमें, नहीं वो क्रो के पंख है ना, पंख तो में। ये रिचुअल क्लोथ्स हैं देखिए, इनमें चावल रखते थे और ऐसे ऐसे कुछ हल्के इनमें धूल उड़ाई जाती थी, मतलब खाने का भी तो करना पड़ता है कुछ तो कंकड़ वंकड़ भी निकालना पड़ेगा ना, हर चीज़ शिकार से थोड़ी चलता है। झूठ क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये पता है 7th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस के बुक में होता है, वीविंग वीनिंग थ्रेशिंग ये सब है। इतना सब कैसे बता आपने? अरे मैंने ट्यूशन पढ़ाया है बच्चों को। जी हाँ, निका हाँ, नहीं नहीं इंडियन नहीं होते हैं वो लोग, वो उन लोगों का स्किन थोड़ा ब्राउनिश हुआ करता था ना, उसलिए इसको इंडियंस कहा जाता था। नहीं नहीं तुक्का नहीं मारा, इंडियन पढ़ते थे कि अमेरिका में पाया जाता है इंडियन करके। अरे रेड इंडियंस अमेरिका के भी नेटिव हुआ करते थे, कैरेक्टर मिलता है। अरे ये देखो चाइनीज डायनेस्टी इधर आ रही है, आ जाओ चाइनीज लोग से मिल के आते हैं थोड़ा। क्या अरे वाह, देखो कितना मिलता है इसमें, मतलब कि वुमेंस को जो शौक कारा वस्कारा जो भी होता है काफ़ी पहले से ही था, खूबसूरत रहने का शौक। ये देखिए चाइनीज डायनेस्टी के रिचुअल्स, वहाँ के कपड़े, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। आइवरी यहाँ देख सकते हैं, देखिए मछली और ये उडू गदा और ये कोडू जूता। पहले हाथियों का शिकार करना बहुत, हाथी के टस्क बहुत ज़्यादा ही शिकार करके बहुत, देख रहा डिटेल, देख रहा है कैसा डिटेल, क्या मस्त है। लेकिन हम सबको ये सब नहीं करना चाहिए, हाथी के दांत भी प्यारे होते हैं, हाथी के दांत को नहीं काटना चाहिए भले वो खाने के ना हो। चाइनीज डायनेस्टी है ये देखिए, यहाँ पे क्लीन करते हुए साल पहले हुआ है सब चीजें, पेंटेड शेल्स। इसमें जो लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं आएगा। मीनिंग क्या है एक्चुअली? आर्ट एंड चेंबर रूम। भाई ये सब
चाय बनाने का, दारू मदिरा पान करने का सकता है। ये सब मूवियों में देखने को मिलती थी, ये जो आदेश वगैरह आते थे रॉयल। देख रहा है आइवरी का बनाया ना, कितना डिटेलिंग है। ये खल है, इसमें आदमी मसाला कूटते पहले। ये देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पुराने ज़माने के। ये मिनरली सेक्शन है। देखिए इसकी हाइट कितनी ऊंची है, बहुत बड़ा स्केलेटन है ये। अरे वाह, साइबेरियन एंटीक्स एंटीक्विटीज। सैक्रिफाइसल रैक। भीड़ तो बहुत है खैर, लेकिन जगह भी बहुत खूबसूरत है। हाँ सैक्रिफाइसल रह गया नीचे वाला। वो भाई फोटो वोटो लेके गई अपने को वो तो नहीं हो जाएगा, भूतिया आत्मा तो नहीं आ जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरह का रेस आ चुका है। तो लग रहा है कुछ रेगिस्तानी टाइप का। देखो तो भाई ये अलग तरह के क्लोथ्स हैं, पीस मेड ऑफ स्ट्राइप नीट टुगेदर। डेकोरेटर्स हैं अफ्रीकन एसेंट के लोगों का। बास्ट फैब्रिक, यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट कुछ किया गया है इस चेंबर का। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ भी काफ़ी फैब्रिक का चलन था। तरह से आग लगाते हैं का। अरे साला भाई से क्या मारते हैं लोग, शेर कुत्ता मारते हैं क्या? ये थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ आते हुए ये ज्वेलरी मेकिंग। अरे वाह भाई, हमें लग रहा था इस म्यूजियम में आकर के क्या यार ये बहुत बेकार सा जगह है, लेकिन अंदर आते आते थोड़ा थोड़ा मॉडर्न होते गया। मतलब उसे बनाया इस तरह से गया है कि थोड़ा आप एंशियंट से मॉडर्निटी की तरफ आएंगे। अरे ये देखो कितना बड़ा ये टस्क, एम्ब्रॉयडरी देख रहा है क्या गजब की गई है। अब हम ऊपर के फ्लोर पर जा रहे हैं। चाइना, नियर मिडिल ईस्ट, मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना, इंडिया। अच्छा इंडिया भी है, चलिए देखते हैं। अरे क्या गजब है यार पेंटिंग। नहीं अंदर देख, थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग।
दिख रहा दिख रहा है उस तलवार पे राजा रानी का वो बना हुआ है, इंग्रेवमेंट किया हुआ है। ये देखिए राजस्थान के महाराज जैसे लग रहे हैं। देखो कितना बड़ा है ये बंदूक है, और ये दिख रहा है सोना का बना है। हम लोग इंडिया नहीं है भाई, इंडिया से उठा के भाई। दिख रहा है सोना, लेकिन हमारे टाइम में कितना यूज होता था। एक्सपेडिशन सेक्शन में आ चुके हैं हम लोग। काफी बड़ा है ये म्यूजियम। गांधी जी के इंडोनेशिया ने बनाया, गांधी जी के 3 मंदिर। शायद हम इंडियन सेक्शन में आ गए हैं। सूट सलवार, अरे भाई ये क्या है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा। राजा रानी, इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए क्या है ये। वेडिंग रिचुअल्स, हिंदू वेडिंग विवाह। नाइनटीन से 20th सेंचुरी के बीच ऋषि मुनि वराह रूपम नहीं लग रहा देखने में। रिलीजन ऑफ हिंदू रिचुअल्स, इंडियन वुमेन। और यार क्राफ्टिंग देख, क्वालिटी देख भाई, गजब है यार। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आइवरी हॉर्न एंड स्टोन्स, गुरु सिख एम्बलम, थैंक्स थ्रोन, काली माता शिवजी भी है भाई, शिवजी है। वाह यार काली माता है, शिवजी भी देखो, ये भगवान आशीर्वाद ले लो थोड़ा सा भाई। ऐसे नहीं मेरा था फोटो बस। इंडियन कल्चर को भी यहाँ रखा गया है। ये देखो भाई पक्का है, नहीं वही सेम वही है। वाह यार क्या बनाया है रे, बहुत अच्छा बनाया है। कुछ भी बोलो, कहीं भी जाओ, अपने आगे कहीं दिखता है ना, घूमने का स्पिरिट डबल हो जाता है। देखो पुराना इंडिया का मैप, ये सारा का सारा अभी हम दोबारा लेने वाले हैं। टेंशन की बात नहीं है, उसको भी लेंगे। देखो इंडियन विलेज, कोरियन सेक्शन में आ चुके हैं। कोरियन सेक्शन में थोड़ी रूप धूप को ज़्यादा देखते हैं। क्या ये है, मॉडल ऑफ जॉस हाउस, चाइना।
हालांकि चाइना का है, बाकी आगे मंगोलिया का है, सब चंगेज़ खान का है। चंगेज़ खान जापानी रिक्शा।